आगे हुए हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है ऐसा कुछ है, तो वो साल में एक बार वहाँ आपको पासपोर्ट बना के इंडिया भेज देगा। तो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हाजिर हो गया हूँ और न्यू वीडियो लेके। तो जैसा आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के मालूम ही चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पे है, नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूँ कि भाई ये वीडियो इस टॉपिक पे, कि एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि जैसे जो लोग मतलब कंपनी में आते हैं या खदामे में आते हैं या कोयती के पास डायरेक्ट आते हैं खदामे का काम करने के लिए, तो अगर जो उधर से भाग जाते हैं या उधर से वो उनका कुछ मिलता नहीं है, गायब हो जाते हैं, मतलब पासपोर्ट घूम जाता है या कुछ हो जाता है, तो फिर वो कैसे जाते हैं? मतलब या जो भाग जाते हैं कंपनी छोड़ के या खदामे के लिए जो आते हैं, जो घर खाते में आते हैं और जो भाग जाते हैं उनके अपने कोयती के पास या कंपनी के पास से, तो फिर उनका क्या होता है, क्या सोल्यूशन है और कैसे वापस अपने मुल्क जा सकते हैं? तो इस वीडियो पे इसी टॉपिक पे है। तो बने रहिए वीडियो में, इंशाल्लाह पूरी जानकारी देंगे और अच्छी जानकारी देंगे जो आप लोगों को पसंद आएगी। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, 83% लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग अगर जो एक बार जब आप लोगों का पास कहीं कंपनी छोड़ के चले जाते हैं या कोई किसी कोयती के पास घर खाते से चले जाते हैं, हालांकि ऐसा करिए मत, ये बहुत गलत है। मतलब आप जिस कंपनी में हैं उसी में रहिए, नहीं तो यार ये इधर के रूल्स के खिलाफ है भाई, तो आप लोग ऐसा करिएगा मत। बाकी बता देते हैं टॉपिक की बात पर आते हैं भाई। तो जो भाग जाते हैं मतलब जो कंपनी छोड़ निकल के चले जाते हैं और या फिर जो घर खाते में अगर जो वहाँ से चले जाते हैं, मतलब उधर से चले जाते हैं दूसरी जगह बाहर काम करते हैं, सीरियस की बात, बाहर काम करने वालों के लिए वीडियो है। तो बाहर काम करते हैं तो फिर उधर से उनको जाना रहता है, तो पासपोर्ट तो कंपनी में जमा रहता है या पासपोर्ट कोयती के पास रहता है, तो जा कैसे सकते हैं इंडिया? तो भाई जो कंपनी वाले हैं तो कंपनी में जाएंगे तो फिर कंपनी वाला तो या तो पकड़ के रख लेगा, या तो पुलिस पकड़ेगी तो या तो रख लेगा, या तो फिर वो उनको फिर कंपनी में आएंगे पासपोर्ट लेने के लिए तो या तो फिर उनको पैसा जमा करना पड़ता है, 200 KD, 250 KD, 150 KD, जैसा वो कंपनी वाला मांग ले वैसा जमा करना पड़ता है, ठीक। और बाकी जो घर खातों वालों का है भाई, उनका क्या सीन है कि जो घर खाते में आते काम करने के लिए भाग जाते हैं, वो कैसे जा सकते हैं वापस अपने मुल्क? वो इस तरीके से जा सकते हैं भाई कि साल के एंड में या साल के स्टार्टिंग में या जनवरी या फरवरी में या दिसंबर में एक छूट लगती है जिसको इधर के लोग मेला भी बोलते हैं। तो उस मेले में क्या होता है कि वन डे का पासपोर्ट बनता है, वन डे मतलब एक दिन का पासपोर्ट बनेगा, वही आपको पासपोर्ट बना के इंडिया भेज देगा। मतलब आपका आपको अपना टिकट ले दिखाना पड़ेगा उसको एक बार कि मेरा टिकट है, हाजिर है, मेरा टिकट ये है। तो आपके कभी कभी हाथ पे भी स्टाम्प मारता है, नहीं तो पासपोर्ट बना के देता है इंडियन एम्बेसी वाला, एक दिन का पासपोर्ट, जिससे कि आप घर जा सकें। उसके बाद आप घर पर जाएँ और उधर से दूसरा पासपोर्ट बनाएँ और फिर इंशाल्लाह वापस आएँ। तो यही सीन है भाई साल में, मुझे कंफर्म नहीं है, इंशाल्लाह मुझे कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, कि होता ये है कि साल में एक बार छूट लगता है, मतलब कि जिस जो भागे हुए हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है ऐसा कुछ है, तो वो साल में एक बार वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत पब्लिक रहती है, पूरा सामान वामान लेके सब, मतलब टिकट आपको लेना पड़ेगा, सब कुछ छूट नहीं रहता। मतलब छूट इस बात का रहता है कि आपको पासपोर्ट नहीं लगता है, पासपोर्ट आपको पुलिस कुवैत का जो एम्बेसी है या पुलिस जो भी वो बना के देता है, अरेंज करके देता है एक दिन के लिए, जिससे कि आप इंडिया जा सकें। बाकी भाई आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करिएगा मत, क्योंकि ऐसा करना कुवैत के रूल के ख़िलाफ़ है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग अगर जो ऐसा करते हैं तो फिर आप दोबारा आपका फिंगर हो जाता है, एक बार फिंगर लग जाता है, तो सुनना हूँ मैं कि आपका फिंगर लग जाता है एक बार, तो आप दोबारा इस कंट्री में आ भी नहीं सकते हैं जिस कंट्री में आप मतलब कुवैत में अगर जो आप ऐसा करते हैं, ठीक है। तो जो भागे हुए लोग हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भागिएगा मत, जहाँ कर रहे हैं उधर करिए, नहीं कर रहे नहीं जम रहा है तो फिर वापस जाइए अपने मुल्क और वहाँ से फिर अच्छे से आइए, क्योंकि ये रिस्की वाला मामला है यार, क्योंकि आप हो सकता है कि आप कभी भी नहीं आ सकते इधर, ये सीन है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ मेरा छोटा मोटा वीडियो आप लोगों को पसंद आया रहेगा, नहीं अगर जो आपको कुछ को भी समझ में नहीं आया तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा, सभी लोगों का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए उम्मीद करता हूँ छोटा मोटा ब्लॉग पसंद आ रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।